नमस्ते, मैं अर्चना अल्ट्रा कुकरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, वो है बटाटा कांदा पोहा। बटाटा कांदा पोहा के लिए लगने वाली सामग्री है, एक बड़ा कप पोहा लिया है मैंने, यहाँ पे जाड़ा पोहा लिया है, भिगो के रखा है, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 15 से 20 कड़ी पत्ता, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, धनिया पत्ता, गार्निशिंग के लिए ग्रेटेड कोकोनट है, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और एक बटाटा यानी आलू लिया है बारीक कटा हुआ और तेल। अब शुरुआत करते हैं। पहले क्या करना है, गैस को शुरू करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल, ऑयल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है क्योंकि उसके बाद हम इसे तड़का लगाने वाले हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, मस्टर्ड सीड्स, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 10 से 12 करी पत्ता। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसमें जाएगा बटाटा कांदा पोहा है, एक जो आलू लिया है बारीक कटिंग करके वो इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे एक टिप है, आपको तो मालूम है हमेशा आलू कटिंग करने के बाद हम उसे पानी में रख देते हैं, नहीं तो वो काला पड़ जाता है, तो इसे अभी होने देना है। आलू को अच्छी तरह से पकने देना है, तो इसके ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं और 5 मिनट तक राह देखते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं आलू पका है कि नहीं। आलू पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जाड़ा पोहा जो मैंने भिगो के रखा था। वो क्या करना है कि उसको खाली पानी में से धो लेना है और उसको स्ट्रेन करके यूज करना है। अब इसमें डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। पोहा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं और 5 मिनट के लिए उसे होने देते हैं। देखते हैं पोहा रेडी है क्या। अच्छी तरह से स्टीम आ गई है, पोहा रेडी है। गैस बंद कर देते हैं, अब हम इसमें प्लेटिंग कर लेते हैं। बटाटा कांदा पोहा तैयार है, अब इसे गार्निश करेंगे ग्रेटेड कोकोनट से। और धनिया पत्ता। अपना बटाटा कांदा पोहा रेडी है, ये आप ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में और बच्चों लोगों को टिफिन में भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए अल्ट्रा कुकरी को।